स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमनिज्म एंड लिटरेचर को देखेंगे कि लिटरेचर में ह्यूमनिज्म क्या है, ये क्या थी, कब स्टार्ट हुई और इसमें क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं, लिटरेचर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें बहुत कुछ हुआ है, तो ये भी उसकी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। व्हाट इज ह्यूमनिज्म इन रेनेसांस लिटरेचर? रेनेसांस लिटरेचर कौन सी लिटरेचर है जो कि रेनेसांस के पीरियड में लिखी गई, वो रेनेसांस लिटरेचर है। अब उस ही पीरियड में ह्यूमनिज्म भी स्टार्ट हुई थी, ये एक मूवमेंट थी ह्यूमनिज्म, ये तब स्टार्ट हुई थी रेनेसांस के पीरियड के दौरान। वन ऑफ द मेजर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स इन द लेट मिडिएवल एंड रेनेसांस पीरियड्स वाज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कब स्टार्ट हुई? ये लेट मिडिएवल पीरियड यानी कि मिडिएवल पीरियड के लास्ट में और रेनेसांस पीरियड के स्टार्ट में ह्यूमनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमनिज्म? अब ये ह्यूमनिज्म है क्या? नाम से आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा होगा, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन रिलेटेड कुछ। तो देखें, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि ये जो ISM जिस वर्ड के साथ लग जाए ना, समझ लो वो की थीरी है। ठीक है, अब ये भी ह्यूमनिज्म एक थीरी ही की ही तरह थी, तो अब इसको देखते हैं। ह्यूमनिज्म इज अ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट ऑफ रेनेसांस। ये रेनेसांस के पीरियड की एक फिलोसफिकल और लिटरेरी मूवमेंट थी। अब फिलोसफिकल से क्या आपके माइंड में आता है? फिलोसफी से रिलेटेड, लिटरेरी यानी के पढ़ाई से, अदब से, उसके रिलेटेड एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जिसमें फिलोसफीज थी, जिसमें अदब की बातें थी, उस किस्म की एक मूवमेंट थी। इट वॉज अ कल्चरल शिफ्ट इन यूरोप दैट सॉ एन एंड टू मिडिएवल क्रिश्चियन वेज ऑफ थिंकिंग एंड अ रिटर्न टू क्लासिकल स्टडीज। और ये एक कल्चरल शिफ्ट था, यानी कि जो यूरोप था ना मिडिएवल क्रिश्चियंस मिडिएवल पीरियड के दौरान, वो बहुत चेंज हो गया था और उसका अचानक से ये बदलना, ठीक है, ह्यूमनिज्म की तरफ आना, क्लासिकल स्टडीज की तरफ आना, उनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होना, ये सब कुछ क्या था? उनका कल्चरल शिफ्ट था, उनका कल्चर टोटल चेंज हो गया था यूरोप का, यूरोप की हम बात करें। ठीक है, तो वो जो चेंज था उसको हमने किस थीरी का नाम दिया? ह्यूमनिज्म को। और ये किसके दौरान जारी रही? रेनेसांस पीरियड के दौरान ये चलती रही। This time from a secular perspective, it also had a social aim to use the new learning to reform society. और उसके अलावा इसका एक aim था, ये जो humanism थी movement, इसका एक aim था कि हमने जो मतलब पढ़ाई को use करके new चीजें सीख कर society को reform करना है, उसमें changes लेके आने। तो होप सो आप लोगों को ह्यूमनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं अगर इसको चाहूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए वो आप लोगों को पता चल गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।